हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से कचौरी, जिसे ना हम बेलेंगे लेकिन तुरंत भरेंगे और फटाफट बनाएंगे। तो बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है फ्रेंड्स, बहुत ही खस्ता और बहुत ही करारी। तो चलिए बनाते हैं कचौरी। तो उससे पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना भी मत भूलिएगा। एक कटोरी हमने गेहूँ का आटा लिया है, उसमें थोड़ा सफ़ेद तिल डाला है और थोड़ा सा नमक डाला है, और अब हमने यहाँ पर चिली फ्लेक्स डाला है। अगर आप चिली फ्लेक्स खाना पसंद करते हैं तो भी डालिएगा, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा हमने यहाँ अजवाइन डाला है, और अब क्या करेंगे, तेल लेंगे, तो एक चम्मच तेल लेंगे, भर कर लेंगे, और अब इसको इस पर डाल देंगे और इसको अच्छे से हम मिला लेंगे, सभी मसाले वगैरह आटे में अच्छे से मिल जाए। और फिर लेंगे पानी, थोड़ा थोड़ा पानी गिर कर इसका एक आटा गूंदेंगे, तो आटा जो है ना ही ज़्यादा टाइट और ना ही ज़्यादा ढीला, ऐसा हमें तैयार करना है। तो हमने यहाँ पर जो आटा तैयार किया है थोड़ा सा टाइट ही किया है, तो क्या करेंगे, इसे रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। इतनी देर तक छोड़ना है जितनी देर तक हम इसके लिए अंदर जो मसाला भरेंगे इसका, वो तैयार करेंगे। तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं। पैन ले लेंगे, इसमें एक चम्मच तेल गिरेंगे और थोड़ा सा गिरेंगे जीरा, और एक हरी मिर्च लेंगे, बारीक बारीक काट कर इसमें हम डालेंगे। तो फ्रेंड्स, मिर्च वगैरह आप अपने हिसाब से डालिएगा, जितने हिसाब से आप तीखा पसंद करते हैं या बिल्कुल सिंपल सा पसंद करते हैं उस हिसाब से आप यहाँ डाल सकते हैं। लेंगे एक प्याज, बारीक सा काट कर डालेंगे, और अब क्या करेंगे, इन्हें हमें मिलाएंगे और गैस की फ्लेम को लो रखेंगे, कि अब इसमें हम मसाले डालने वाले हैं, और मसाले डालते समय गैस की फ्लेम को लो रखिएगा, नहीं तो वो जल जाते हैं। अब डालेंगे इसमें थोड़ी सी हल्दी, नमक, नमक थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि हमने आटे में भी डाला है, और फिर धनिया पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे, नहीं है तो अमचूर पाउडर डाल लीजिएगा, थोड़ा सा खट्टा मीठा, मतलब खट्टा खट्टा सा ना और चटपटा सा स्वाद आ जाता है। और फिर क्या करेंगे, इन सबको मिलाएंगे, और मिलाने के बाद थोड़ा सा भूनेंगे, क्योंकि प्याज को ज़्यादा भूनिएगा नहीं, थोड़ा सा करंट सा बना रहे इस टाइप से हमें भूनना है, यानी कि थोड़ा थोड़ा सा ही भूनना है। उसके बाद डालेंगे इसमें हम आलू, उबले हुए आलू लिए हैं मैंने दो, जिन्हें ठंडा करने के बाद छील लिया था, और थोड़े मोटे मोटे से पीस मैंने इसमें छोड़ दिए हैं। आप यहाँ इसे कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, और अब इन्हें हम मिला लेंगे, या तो आप इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लीजिए, या फिर छोटे छोटे से मोटे मोटे से पीस को रहने दीजिएगा, इससे टेस्ट थोड़ा सा कचौरी में अलग आता है। और देखिए, मैंने थोड़े थोड़े पीस बड़े बड़े से रहने दिए हैं। और अब क्या करेंगे, धनिया पत्ती डालेंगे इसमें, धनिया पत्ती डालने के बाद इसको अच्छे से मिला लेंगे, और बस अब करना क्या है, मिलाने के बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और इसे ठंडा करने के लिए रख देना है। ठंडा करने के बाद ही आप इसे आटे में, मतलब आटे में भरिएगा, गरम गरम नहीं, या तो इसको अलग से बर्तन में निकाल लीजिए या फिर उसी में रहने दीजिएगा। यहाँ जो हमने आटा अभी गूंद के रखा था उसे एक बार मसल लेंगे, और छोटी छोटी सी लोइयाँ लेंगे। अगर आप कचौरी को छोटा छोटा बना रहे हैं तो लोइयाँ भी छोटी छोटी लेनी होगी, अगर आप बड़ा बड़ा बना रहे हैं तो लोइयों को बड़ा बड़ा लीजिएगा। तो देखिए, मैंने छोटी छोटी सी ली है, और इसे गोल गोल घुमाकर कटोरी टाइप कर लेंगे, और एक चम्मच मसाला लेंगे और इसमें डालेंगे। तो अगर हम बड़ी कचौरी बना रहे हैं फ्रेंड, तो लोई भी हमारी बड़ी होगी, और उसमें जो मसाला हम भरेंगे वो भी हम ज़्यादा ही भरेंगे। तो बस इसको ऐसे घुमा घुमा कर हमें इसे पैक करना है। तो पैक करने का तरीका सबका अलग होता है, सब अपने अपने तरीके से पैक करते हैं। तो बस इसको ऐसे घुमाना है आपको, और घुमाते घुमाते जो ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा आटा आ जाता है उसे निकाल लेना है, और अब उंगली की सहायता से, हथेली की सहायता से थोड़ा सा दबा लेंगे, और उंगली की सहायता से ना इसके अंदर ऐसे ऐसे कर देंगे ताकि चारों तरफ मसाला जो है ना वो फैल जाए। तो बस अब दूसरा भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये तरीका भी इसी तरह से है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए क्या करना है हमें, इस तरह से करना है, और वही हम लेंगे यहाँ पर आलू, और आलू को इसमें डालेंगे, और वैसे ही हमें पैक करना है फ्रेंड्स।
तो आप इसे अच्छे से भर कर भी पैक कर सकते हैं। अगर आपको मसाला ज़्यादा पसंद नहीं है कचौरी में तो आप इसमें कम भी डाल सकते हैं, और ऐसे ऐसे करके भी इसको आप पैक कर सकते हैं। दोनों हाथों से घुमा घुमा कर इसे पास में ले आइए इस तरह से, और जो ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा आटा आएगा उसको वापस वहीं हम मोड़ कर पैक कर देंगे। तो कचौरी को ध्यान से पैक कीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आपका पैक करते समय थोड़ी सी कहीं से फट जाता है तो उसको मत बनाइएगा, दोबारा से पैक कर लीजिएगा, क्योंकि तेल में जाके फिर वो फटेगा और पूरा तेल हमारा ख़राब हो जाएगा और कचौरी के अंदर तेल चला जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। देखिए इसलिए मुड़ी की सहायता से करना है, और तेल जो है हमारा गर्म हो चुका है मीडियम फ्लेम में, और एक एक करके इसमें डालेंगे। तो मैंने यहाँ इसे डीप फ्राई किया है, आप इसे सैलो फ्राई भी कर सकते हैं, कम तेल में भी आप इसे बना सकते हैं। वेट करना है एक तरफ सिकने का और फिर इसको हम पलट लेंगे। बहुत ही टेस्टी कचौरी बनती है फ्रेंड्स, और झटपट तैयार भी हो जाती है। आप इसे प्याज का भी बना सकते हैं, आलू से भी बना सकते हैं। हमने यहाँ प्याज की मात्रा को ज़्यादा लिया था आलू की तुलना से, तो इसमें जो प्याज का स्वाद आएगा बहुत अच्छा आएगा और एक क्रंच सा बना रहता है, क्योंकि प्याज को हमने ज़्यादा नहीं भुना था। और देखिए उलट पुलट कर कर सुनहरा होने तक इसको हम करेंगे और फिर हम निकाल लेंगे। तो गर्मा गर्म कचौड़ी हमारी रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। इसे आप मटर के साथ भी खा सकते हैं और चटनी के साथ भी खा सकते हैं और चाय के साथ भी खा सकते हैं। तो जब आपको कचौड़ी खाने का मन करे तो आप इस तरह से ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। तो मैं आपको अब तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी कचौड़ी हो चुकी है रेडी, एक कप गेहूँ आटे से बहुत सारी कचौड़ी बन गई है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपसे मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करती हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका स्वागत है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये देखिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।